हेलो गाइस, माय नेम इज वैभव और आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे बनाई जाती है बैम्बू बिरयानी। अगर आपको बिरयानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 4-5 लोग मिलके बैम्बू बिरयानी बनाने वाले हैं। संदूर बैम्बू, बैम्बू बिरयानी। ये लारे वांगे वेलकम बोल रहे हैं। वेलकम, थैंक यू सो मच स्वागत करने के लिए। विलेज कुकिंग चैनल का नाम है, आप चेक कर सकते हो। तो इतने बड़े बड़े बैम्बूज है। ओके, आई थिंक ये लोग अभी भी जंगल से लेके आए। तो मैंने नॉर्मल बिरयानी देखी है, बैम्बू बिरयानी मैंने मतलब ओनली वीडियोस में ही देखी है। ये कैसे बनाते हैं हमको पता चलेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। और ओके, हाँ, बैम्बू अंदर से हॉलो होता है, हाँ खाली होता है, तो आई थिंक इसी के अंदर बैम्बू मतलब बिरयानी पकेगी। इन लोगों ने अभी लगभग सारे के सारे बैम्बूज कट कर दिए। अभी ये लोग बैम्बू के अंदर पानी भर रहे हैं, ओके, धोने के लिए। इंपॉर्टेंट है बैम्बूज को धो के लेना है आपको। फिनाइल वगैरह डाल सकते, नहीं फिनाइल नहीं डालने का है, नॉर्मल पानी से आप धो सकते हो। रेसिपी आप नोट वगैरह भी करके रख सकते हो, क्योंकि अभी जो हमने काटा है वो बैम्बू का, वो जो मतलब जो होता है ना, वो भरता, बैम्बू भरता, उसके पार्टिकल्स उसके अंदर गिरे, दैट्स हमको साफ करने का। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एनीवेज आपको बस बैम्बू को साफ करने का है। एकदम धो धो के उसको दोनों तरफ से साफ कर दिया। भाई कितने चिकने लग रहे हैं ना बैम्बू, ऐसा लग रहा है अभी अभी काट के लाया पेड़ से। वैसे हाँ, अभी काट के लाए। सो अभी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। भाई ये क्या चीज़ है, अबे इनके पास मिक्सर वगैरह नहीं है और बारिश हो रही है। अरे भाई क्या बढ़िया सीन है ना, बारिश के अंदर अभी वैवो बिरयानी पक रही है। ये रहे ऑनियन, वो आई थिंक मसाले थे अभी, या वो ये सारे लड़के ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक भी लड़की वगैरह नहीं है। यू नो काफ़ी यू नो एक्सपीरियंस कुक है इनका ना। आज से पहले मैंने एक वीडियो रिएक्ट करा था जहाँ पे मैंने वाटरमेलन का इन्होंने जूस बनाया था, भाई वो वीडियो बहुत बढ़िया था। दैट्स मैंने सोचा एक और वीडियो रिएक्ट करना चाहिए। फिर ये रही मिर्चियाँ। भाई सब कुछ हाथ से जल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है। और ये आई थिंक मटन है। ओह, तो ये मटन बिरयानी बनने वाली है। भाई पता नहीं ये कितना मटन है, सो आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं ये कितनी क्वांटिटी है, बट आप अपने हिसाब से बना सकते हो अगर आप बना रहे हो तो। तो काफ़ी सारा मटन लिया, उसको धो के, गॉट इट। एंड अभी आई थिंक इसको सीधा ये लोग बिरयानी के अंदर डाल देंगे। नहीं नहीं, आई थिंक बैम्बू के अंदर डालेंगे और फिर बैम्बू पकेगा। और बारिश काफी तेज हो चुकी है, लिटरली ये लोग बारिश में खाना पका रहे हैं। चाचा जी अंकल वही बता रहे हैं कि बहुत बारिश तेज हो रही है, कोकोनट ऑयल डाला है। नहीं वो इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं। ओके समझ गया मैं। तो काफी बड़ा बर्तन है, उसके अंदर भी ऑयल डाला। ये क्या बोला मेरे को पता नहीं। होममेड घी, होममेड घी डालने का है गाइस। तो वो उनको इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं। पत्ता रह गई, ये क्या होता है, स्पाइसेस, या जिन्होंने उतने अभी जितने स्पाइसेस बनाए थे वो सारे स्पाइसेस। अभी आएगा है इसके अंदर ऑनियन, बहुत सारा ऑनियन भी लाया, वेरी नाइस। भाई सीरियसली बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा है और बारिश बंद हो गई है। चांदे विलेज क्या है, हैंड ग्राउंड चिली। ओह ओके, चिली मतलब मसाला जो अभी हमने इन्होंने अभी बनाया था वो पत्थर के ऊपर। एंड ये पुदीना बहुत था भाई, भैंस की इतना पुदीना थोड़ी डालते हैं भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओके काफ़ी सारा पुदीना डाला है, लेट्स गो। ये क्या है, मिर्ची, ओह और वो भी पूरी मिर्ची, भैंस की। अगर आपको गाइज यू नो पेट के इशू है तो मे बी आपको आपका पेट खराब हो सकता है क्योंकि बहुत मिर्ची डाली है। एंड ये क्या चीज़ है, यू पूरा हाथ से ही डाला है भाई, थोड़ा सा हाइजीन वगैरह देख लेते हैं। आओ भाई वो कितना अजीब लग रहा है दिखने में, मदरबोर्ड। और ये टोमेटो, आखिर में टोमेटो डाल दिए तो सारे जितने भी मसाले थे वो में भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी इसके अंदर आई थिंक ये लोग मटन डालेंगे। पता था ही मेरे को पता था। अभी इसके अंदर सीधा मटन डाल दिया, तो अभी आई थिंक ये लोग इसको पकाएंगे। एंड देन ये पकने के बाद में भी जो इसको सीधा वो बैम्बू के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे मे बी। लेट्स सी क्या सीन है। इन्होंने सारा पका दिया है, मिक्स कर दिया पूरा, दिखने में यार बहुत अजीबोगरीब लग रहा है मेरे को। दही, ओह आवाज़ बहुत गंदा है उसका, दही में भी उसको पूरी तरीके से मिक्स कर देगा। एंड ये क्या, नमक, क्रिस्टल सॉल्ट, ओह अगर कम ज़्यादा हुआ तो कैसा होगा पता नहीं। एंड भाई उसने उसको मारा, पच्चे टन्ने। ओके वाटर, ये आई थिंक कौन सी लैंग्वेज है मेरे को पता नहीं गाइज। फाइनली पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मीट अभी अपना पक रहा है। अभी ये लोग यहाँ पे गाना गा रहे हैं आई थिंक, बारिश भी बंद हो गई है, अच्छा लग रहा है। एंड अभी फाइनली पक चुका है अपना खाना। अभी तक बैम्बू, इसी के अंदर बैम्बू डालेंगे ना, बिरयानी मसाला। नहीं इसके नहीं, ये रहा बिरयानी मसाला। भाई बहुत गंदा लग रहा है दिखने में, ऐसा लग रहा है ना मिट्टी डाल दी सीधा, बट वो मसाला है गाइस। हाँ
और भाई वो तो पूरा गाढ़ा हो गया। यू अब आई थिंक उसको वो बैम्बू के अंदर डालेंगे। बैम्बू का रोल कब आएगा इसमें? देखने में गाइस काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो अभी सब कुछ पक चुका है, या बहुत बढ़िया। फाइनली खाना पक चुका है एंड नाउ ये लोग अभी उस बैम्बू के अंदर मसाला डालना शुरू कर देंगे। नहीं अभी ये तो बर्तन में डाल रहे हैं। व्हाट द हेल। ओके आई थिंक उस ओके वो निकाल रहे सारा का सारा। ओके गाइस तो आई थिंक अभी इसके अंदर ऑब्वियसली राइस भी चाहिए होगा ना, बिरयानी है तो अभी आई थिंक राइस को डालेंगे इसके अंदर। देखो बच्चा ऐड करे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मटन बिरयानी मसाला। ओके ये मटन बिरयानी मसाला पूरा तैयार हो गया। ओके गॉट इट। अभी ये लोग हाथ धो रहे हैं, अभी आई थिंक राइस बनेगा या सीधा इसी से खाए। राइस तो अभी देखो उन्होंने बने उन्होंने बनाया नहीं है। ये आई थिंक राइस है डेफिनेटली। हाँ ये रहा गाइस राइस, आई थिंक बासमती राइस है ऑब्वियसली बिरयानी के लिए। ओ भाई उसी के ऊपर डाल दिया ये, इसको पकाएंगे नहीं क्या? आई थिंक वो ये बैम्बू के अंदर जाके पकेगा। ओ शेट भाई भाई थोड़ा सा बर्तन यूज कर लेते, थोड़ा हाथ से मत मिक्स करो यार। देर इज बर्तन अवेलेबल मैन। पूरा हाथ से मिक्स कर रहे हैं। ओके एंड अभी आई थिंक इसके अंदर भरेंगे और इसके अंदर जाने के बाद मे बी ये राइस पकेगा। ओ आई गॉट इट, नहीं तो मुझे लगा कि पूरा राइस वगैरह पका के इसके अंदर डालेंगे। हाँ भाई ऑब्वियसली ऐसे ही तो होता है ना ये। एंड मे बी 10-15 लोगों के लिए ही बनेगा ये, मेरे को लगा बहुत ज़्यादा बना है, बट इट्स ऑल राइट। अभी हमको सारा का सारा वो जो मसाला भी हमने बनाया है वो राइस और मसाला वो बैम्बूज के अंदर डालना है, पूरा भर देना है उसको। ये पूरा भर चुका है एंड अभी इसको आई थिंक ये लोग आग के अंदर डालेंगे। ओके ओ पानी भी डालना है। हाँ ऑब्वियसली उसके अंदर राइस है तो आपको उसको आधा फिल करना है, आधा मतलब 60% या 70% फिल करना है एंड 20-30% उसके अंदर पानी डालना है ताकि राइस उसके अंदर का पक सके। बस ज़्यादा मत डालना नहीं तो पूरा राइस ख़राब हो जाएगा। एंड अभी उसको ये लोग मिक्स कर रहे हैं। ओह चाकू से मिक्स कर रहे हैं भाई। ओके तो ये प्रोसेस होता है पूरा। एंड अभी इसके बाद ये लीव्स ले रहे, आई डोंट नो व्हाई। ओ उसको ओके कवर करने के लिए एंड आई थिंक इसको ये बांध देंगे। ओ सुतली से बांध दिया, इसको सुतली बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब नॉर्मली पूरा एकदम ऑर्गेनिक रखने का हमको, तो इसको सुतली से बांध दिया। नहीं आग नहीं, ये एक और बर्तन लेके आया, इसको आग लगाई, तो ये बर्तन के अंदर रखेंगे पानी डाल के और आई थिंक स्टीम से पकेगा। ओ गाइस समझ गया मैं, ये देखो उसके अंदर एक बर्तन रख दिया एंड इसके ऊपर वो लोग उसको रखेंगे और ये स्टीम से पकेगा। गॉट इट भाई, ध्यान से नीचे मत गिराना, बहुत मेहनत करी है। और पीछे बारिश का माहौल कितना सही लग रहा है ना। अभी एक एक हमको इसके ऊपर रखवाना है और ये स्टीम से ऑटोमेटिकली पक जाएगा राइस। वो ध्यान से भाई, तो सारा अंदर रखवा दिया एंड नाउ ऊपर से इसको ढक्कन लगा देंगे ये लोग। परफेक्ट। और इसको कितनी देर तक रखना है? मे बी आधा घंटा। बड़ा सा पत्थर भी रख दिया और वापस से बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है भाई। सीरियसली बारिश के दिनों में ना ये सब चीज़ पका के खाने में मज़ा आएगा। बारिश फाइनली बंद हो चुकी है एंड वो पत्थर काफ़ी गर्म था, वो भैंस की लकड़ी। एंड ये कहीं जल तो नहीं गया ना भैंस की? देखो कितना धुआं निकल रहा है। एंड आपका ये बैम्बू बिरयानी तैयार है भैंस की। अभी देखो वो सारी की सारी बिरयानी बाहर निकाल रहे हैं। मे भी एकदम प्रॉपर तैयार हो गई होगी और मे भी उसको उसके अंदर थोड़ा सा बैम्बू का टेस्ट आता होगा क्योंकि बैम्बू के लकड़ी के अंदर पकाया है। आई डोंट नो, अगर आपने कभी खाया होगा तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट्स। सारे के सारे बैम्बूज बाहर निकालिए, अभी भी गर्म हो गया, जब तक ठंडा नहीं होता आपको खाना नहीं है। एंड ये बैम्बू निकाला बाहर एंड ये रही बिरयानी। व्हाट द हेक गाइस, भाई एकदम रियल लग रही है। आई मीन रियल क्या, ऐसी होती है। सो फाइनली सारी की सारी बिरयानी तैयार हो गई है। मे बी 5-6 लोग खा सकते हैं इसको, नहीं ज़्यादा खा सकते, 10-15 लोग खा सकते हैं, काफ़ी क्वांटिटी है। तो सारे के सारे जितने भी बैम्बूस थे उनको इन्होंने खाली कर दिया है एंड दिस इज द बैम्बू बिरयानी। तो अगर आपको बैम्बू बिरयानी बनानी है आप सेम प्रोसेस फॉलो करके खुद भी अपने घर पे बना सकते हो, यू नो मेहमानों के लिए। एंड अभी ये खुद ही ऑब्वियसली इसको खाएंगे क्योंकि भाई कितनी मेहनत करी है इन लोगों ने। और बच्ची भी में भी किसी को बांट देंगे क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा ये लोग ना बच्चों को भी मतलब बांट देते हैं। लेट्स गो, अभी ये लोग खाएंगे। ओ ये क्या है, आयश ये क्या, वही कौन सा मसाला ये? ये पता नहीं क्या है बट वो ओके, इसके साथ खाना है आपको।
ओ ये बैंगन है क्या वो? पता नहीं, बट या दे आर हैप्पी, उन्होंने मेहनत करी एंड बिरयानी बन चुकी है। सो अगर आपको बनानी है, यू कैन मेक द बिरयानी विद द सेम प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही था। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।